बनारस में ऊर्जा का ऐसा अपार क्षेत्र है कि खुद महादेव ने इस नगरी का चयन किया था। वाराणसी से भोलेनाथ का संबंध बहुत पुराना है। यही वजह है कि बनारस की गली गली में भोलेनाथ के मंदिर हैं। महादेव के दर्शन मात्र से ही जीवन की समस्त बाधाओं का शमन हो जाता है। देवों के देव भक्तों के दुख के साथ ही अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करते हैं। सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले महादेव भक्तों को मोक्ष का वरदान भी देते हैं। काशी शहर में शिव का एक मंदिर ऐसा भी है जहां पर दर्शन करने से भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह मंदिर है शिव मंदिरों में काशी का प्रमुख शिवालय महामृत्युंजय महादेव मंदिर। भोलेनाथ के इस स्वरूप को महामृत्युंजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव का यह स्वरूप मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। शिव के इस मंदिर में काल भी आने से घबराता है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी शिव के महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से नया जीवन पाता है। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। महामृत्युंजय भगवान के श्री चरणों में प्राणी मात्र अनेक प्रकार के आशा उम्मीद लेकर के आते हैं कि निश्चित हमारा रोग है, व्यापार से संबंधित किसी भी कोई भी कार्य है, अन्यान्य प्रकार के कार्यों को प्राप्त करने के लिए यह श्री महामृत्युंजय मंदिर में अनेक भक्त प्रतिदिन अहर्निश। इस मंदिर की विशेषता यह है कि 24 घंटा यहाँ पर मंदिर खुला रहता है और लोग आते हैं और आकर के भगवान के सेवा करके और अपना समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। यहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया बल्कि धरती का सीना फाड़कर स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ था। पूरे देश में सिर्फ काशी में ही महामृत्युंजय महादेव के स्वरूप में भोले बाबा भक्तों को अभय देते हैं। ऐसे महादेव का दर्शन तो दूर स्मरण मात्र से मृत्यु तुल्य कष्ट समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि जो चल फिर नहीं सकता उसके कानों में महामृत्युंजय नाम जाने मात्र से वह स्वस्थ होने लगता है। अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाले हैं महामृत्युंजय। काशी शिव भक्तों की वो मंजिल है जहां सदियों से भक्त मोक्ष की तलाश में आते रहे हैं। साक्षात महादेव का आशीर्वाद पाने की कामना हो या मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा, शिव भक्तों के लिए महामृत्युंजय मंदिर में हाजिरी मात्र पुण्य का भागी होने जैसा है। वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में भोलेनाथ मृत्युंजय महादेव के रूप में विराजते हैं। जो चल फिर नहीं सकता उसके कानों में महामृत्युंजय नाम जाने मात्र से वह स्वस्थ होने लगता है। बाबा दरबार का चरणामृत जिसके गले से उतर गया वह मृत्यु शैया से उठ जाता है। जो भक्त यहाँ पर 40 सोमवार लगातार दर्शन करने आता है उसके जीवन में आने वाली सारी बाधा खत्म हो जाती है और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। मंदिर में 125,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराने से अकाल मृत्यु का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। यदि किसी व्यक्ति की गृह दशा ठीक नहीं चल रही है तो भी यहाँ पर दर्शन करने से सारी बाधा दूर हो जाती है। अन्य शिव मंदिर की तरह महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भी भक्त मदार की माला, दूध, फल आदि चढ़ाकर प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हैं। काशी के लोगों में महामृत्युंजय मंदिर के प्रति इतनी आस्था है कि वह यहाँ पर दर्शन करने अवश्य आते हैं। त्राहि माम शरणागतिम। हे महामृत्युंजय भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्या गति दे, त्राहि माम, हमारा रक्षा करें। महामृत्युंजय मंदिर में रोज चमत्कार की नई कहानियां लिखी जाती हैं। मंदिर में दिन में 3 बार होने वाली आरती के दर्शन कर भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। ऊं त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। महादेव के इस मंत्र का जप करने से हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है। जब भी इस मंत्र का उच्चारण करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, हमेशा शुद्ध उच्चारण ही करें। इस मंत्र के कई प्रकार हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति उपरोक्त मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकता है।
साम सदा शिव, अर्घा जो है वो भगवती के स्वरूप में है और लिंग जो है वो भगवान शंकर के स्वरूप में है। तो त्र्यंबकम यजामहे, हे प्रभु मैं आदि शक्ति के साथ में आपका पूजन अर्चन करता हूँ, तो इसका लाभ क्या हो? तो कहते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारे जीवन के वातावरण को सुगंधमय बनाते हुए हमारे संतति पुत्र पौत्र आदि को आप हृष्ट पुष्ट बनाए। धर्म की नगरी काशी में कई चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। महामृत्युंजय महादेव मंदिर परिसर में एक चमत्कारिक कूप भी है, जिसका जल ग्रहण करने से बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, जिसका जल पीने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। काशी में स्थित इस कूप को धनवंतरी कूप के नाम से जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि काशी का यह कुआं अपने आप में बेहद खास है। यहाँ के पानी का नियमित सेवन करने से शरीर में व्याप्त रोगों का नाश होता है। कूप की देखरेख करने वाले बताते हैं कि पेट में मौजूद किसी भी तरह के रोग से मुक्ति पाने के लिए यदि 41 दिनों तक नियमित रूप से सुबह सूर्य उदय के समय इस जल का सेवन किया जाए तो पेट में व्याप्त सभी बीमारियों का नाश हो जाता है। जो पिएगा वो नहीं होगा, पूरे शरीर से पानी से पूरा रोग खत्म हो जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त दर्शन पूजन के बाद इस कुएं के पानी का सेवन करते हैं। लोगों का कहना है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने पर चर्म रोग की बीमारी खत्म हो जाती है, इसलिए इसे अमृत कूप के नाम से भी जाना जाता है। और यह कुआं है, यहाँ नहाने से जैसे चर्म रोग की कोई बीमारी हो उसी से नहाया जाता है। अच्छा, नहाया यहाँ जाता है। ये काई लगा के जैसे स्किन पर काला सफेदी दाग हो जाए उसको लगा के नहाया जाता है। सो मंगलवार और संडे को महामृत्युंजय परिसर मंदिर में स्थापित इस कुएं की प्राचीन मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की। यहाँ से देवलोक जाते समय उन्होंने अपनी सारी औषधियों की पोटली इस कुएं में डाल दी, जिसके बाद इसका पानी औषधीय युक्त हो गया। आज भी इन औषधियों का फायदा लोगों को मिलता है। वाराणसी में स्थित इस कूप के एक दो नहीं बल्कि 8 घाट है। लोगों की मान्यता है कि अलग अलग घाटों से अलग अलग अमृत रूपी जल निकलता है। यही वजह है कि कुछ भक्त यहाँ आकर खुद इन अलग अलग घाटों से जल निकालते हैं और फिर घर ले जाते हैं। मिक्सर है, ये सातों मिला के एक आटो मिक्सर है। ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कूप का पानी जब देव दानवों में जब संग्राम हुआ, संग्रामोपरांत जब वह अमूल्य रत्न अमृत जब निकला, तो वह अमृत को लेकर के देव दानव जब लेकर के भागने लगे, तो ऐसे शास्त्रों में मान्यता है कि शिव पुराण में कि उसका कुछ अंश इस कुएं में अमृत का गिरा है, जिसके लिए जितने भी रोग आदि से विशेष करके पेट से संबंधित रोगों को निजात पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और इस जल को पीते हैं और यहाँ तक कि इस जल को लेकर के भी घर जाते हैं और निरंतर थोड़ा थोड़ा उस जल में दवाई के स्वरूप में मिला करके और पीते हैं। इस परिसर के छोर पर अगर महामृत्युंजय है तो दूसरे छोर पर महाकालेश्वर पुत्र रूप में अवस्थित है। यही नागेश्वर महादेव है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर है। प्राचीन पीपल का वृक्ष है तो शनिदेव का मंदिर भी है। मंदिर में बड़ा सा गलियारा है जहां ब्राह्मण अनवरत महामृत्युंजय जप में लीन रहते हैं। ब्राह्मणों पर महामृत्युंजय महादेव की विशेष कृपा रहती है।